वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको कंजक्शंस में आगे बता रहा हूँ आपके WH वर्ड। जी हाँ, जिनसे हम क्वेश्चंस करते हैं जैसे हु, whom, whose, which, when, where, who, whom, whose, which, when, where, ये आपके कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये इनका क्वेश्चन की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन अगर ये कंजक्शन की तरह भी ये आपके यूज होते हैं। और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं कि हु का यूज कहाँ करें, whom का यूज कहाँ करें, whose का यूज कहाँ करें, which का यूज कहाँ करें, when का यूज कहाँ करें, where का यूज कहाँ करें। तो आपको मैं कंजक्शन में बता देता हूँ। तो आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले इनका यूज हम क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, लेकिन अभी हम इनको दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आपका कंजक्शन में इनका यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ यूज ऑफ हु। तो पहले हम आते हैं यूज ऑफ हु पे। जैसे इसमें आपको मैं एक सेंटेंस बता दूं, एक सेंटेंस के थ्रू आप समझें। आई सॉ अ वुमन, मैंने एक औरत को देखा। आई सॉ अ वुमन, शी वोर अ रेड साड़ी, शी वोर अ रेड साड़ी, वो लाल साड़ी पहने हुई थी। अब इन सेंटेंस को अगर मैं एक साथ ज्वाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, जरा देखना। इसको हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला टाइप आप सुन लीजिए, जैसे आई सॉ अ वुमन, आप पूरा सेंटेंस ये लिख दीजिए, पहला सेंटेंस पूरा लिख दीजिए, आई सॉ अ वुमन, आई सॉ अ वुमन। अब इसके बाद अब आप हु लिखिए, हु। अब आपने क्या करा हुआ है, अब आप जो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो शी सब्जेक्ट, उसको हटा दीजिए और उसकी जगह क्या लिख दीजिए, हु। तो आई सॉ, आई सॉ अ वुमन हु वोर अ रेड साड़ी। समझ में आया, मतलब आपने जो सब्जेक्ट था दूसरे सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट था शी जो सब्जेक्ट है, उसको हटा दिया। तो क्या कर दिया, आई सॉ अ वुमन हु वोर अ रेड साड़ी। एक तो टाइप भैया आपका ये हो गया, वो जो आपका कंजेशन का आपका जो यूज होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आई सॉ अ वुमन, मैंने एक औरत को देखा, और हु जो आपका शी वोर अ रेड साड़ी, जो लाल साड़ी पहने। तो इसको मतलब अगर आप दोनों को साथ में करेंगे तो मैंने एक औरत को देखा जो लाल साड़ी पहने हुई थी। तो जो के लिए किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो आपका इसमें इसका अर्थ होता है जो या जिसने, जो या जिसने। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने एक औरत को देखा जिसने जिसने लाल साड़ी पहनी थी, या तुमने वो औरत को देखा जिसने लाल साड़ी पहनी, या मैंने तुमने वो औरत को देखा जो लाल साड़ी पहने हुई थी। तो जो या जिसने के लिए आप किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आए। अब इसका ये तो पहला टाइप, तो मैं आपको दूसरा टाइप बताता हूँ। शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन। एक क्वेश्चन में आपको सेंटेंस बनाता हूँ, शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन। सेकेंड सेंटेंस इसका हुआ, शी बिलोंग्ड टू असम, शीला सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन, शी बिलोंग्ड टू असम। ये दो सेंटेंस। अब इसको लिंक कैसे, हु से कैसे लिंक करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। पहले आप लिख दें सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख दें शीला, कॉमा लगा के अब लिखें हु, क्या लिखेंगे हु। और जो पहला सेंटेंस जो है आप पूरा लिख दें, जो दूसरा सेंटेंस है वो आप पूरा लिख दें। जैसे शी बिलोंग्स टू असम लिखा था, उसमें आप लिखेंगे पहले आपने फर्स्ट सेंटेंस से सब्जेक्ट उठा लिया, लिख दिया शीला, अब कॉमा लगा के सेकंड सब सेंटेंस पर आ जाए, सेकंड सेंटेंस पर आइए, जहाँ पे जो शी लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिखिए हु, हु बिलोंग्स, पूरा कोई का कोई सेंटेंस लिखना, हु बिलोंग टू असम, हु बिलोंग टू असम। अब कॉमा लगा के जो आपने पहले वाले सेंटेंस में जो छोड़ा था, जो सब्जेक्ट शीला के बाद जो लिखा हुआ है उसको लिख दें, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। तो आपके समझ में आ गया, शीला हु बिलोंग टू असम, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, शीला कॉमा हु बिलोंग्स टू असम कॉमा सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। समझ में आ गया होगा आपको। या फिर इसी सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे इसमें आप कह रहे हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ, समझना थोड़ा ध्यान देखिए, शीला शीला फिर कॉमा लगा के इसी सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में हु लिखें, कॉमा लगा के हु लिखें, और सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, कॉमा लगा के अब जो शी है, अब आपको सेकंड सेंटेंस का शी नहीं लिखना है, उसमें लिखना है बिलोंग टू असम। समझ में आया, शीला हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बिलोंग्ड टू असम। इस तरीके से आपको समझना है ये। गाइज होप यू आपको हु का यूज समझ में आ गया होगा एज अ कंजक्शन के थ्रू। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।